ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज हुई स्मैकडाउन लाइव के बारे में, जहां पर मतलब पूरी तबाही हो गई। बहुत ही शॉकिंग स्मैकडाउन लाइव थी। द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन लाइव में आए और उन्होंने तहलका भी मचा दिया। रोवन एंड हार्पर कैसे हाथी बन गए और क्या रोवन रेंस एंड डैनियल बैन आ चुके सेम पेज के ऊपर, क्या वो पूरी स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में कैसा ये शो था, अच्छा था बुरा था, सारी बातें होंगी इस वीडियो में। और बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, हमारी आज इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है फोराबेट ने। फोराबेट एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप लोग ऑनलाइन गेम्स खेलकर बैट्स या फिर कैसीनो के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप लोग इंस्टेंटली जो आपका विनिंग अमाउंट है उसे पेटीएम में भी विड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी वेरिफिकेशन के। और अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जाकर यहां पर रजिस्टर करते हैं तो फिर आपको फर्स्ट डिपॉजिट बोनस भी मिलेगा, जिसे आप लोग अकाउंट पर किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, फिर चाहे क्रिकेट मैच पर बैट लगाना हो या फिर कोई भी काम हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां से आप लोग इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। अब सबसे पहले शो की शुरुआत होती है उसी मैच से जो कि पहले से कंफर्म था। यहाँ पर मैच होना था रैंडी ओटन एंड द रिवाइवल और दूसरी तरफ टीम थी द न्यू डे की। और गाइस इस मैच से ज्यादा कुछ मैं पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि पता था रैंडी ओटन एक तरह से WWE चैंपियनशिप की पिक्चर से बाहर हो जाएंगे, लेकिन जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो इस मैच से थी कि क्या पता यहां से कुछ आगे लीड कर सकता है। और गाइस इस मैच का जो रिजल्ट था वो भी रैंडी ओटन वाली टीम के पक्ष में नहीं निकला। इस मैच में द न्यू डे ने जीत हासिल करी, बट असली खेल यहां पर शुरू होता है क्योंकि उसके बाद थीम सॉन्ग प्ले हुआ द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। मतलब गाइस देखो, ऐसा तो था कि हम लोग सोच रहे थे कि हाँ WWE कर सकती है, स्मैकडाउन फॉक्स पर जा रहा है तो एक बड़ा चैंपियन चाहिए, एक अच्छी फ्यूड चाहिए, लेकिन सच में ब्रॉक लेसनर आ जाएंगे ये हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में आ गए। मैंने आपसे कहा था कि जब स्मैकडाउन फॉक्स पर जा रहा है तो उससे पहले ही WWE ला सकती है। हम लोग सोच रहे थे कि क्या वो डेट होगी क्लैश ऑफ चैंपियंस की, लेकिन WWE ने इसे स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड के लिए बचा कर रखा। और उसके बाद पॉल हेमन आते हैं। पॉल हेमन सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं ब्रॉक लेसनर को और वो कहते हैं सीधा कि स्मैकडाउन लाइव का जो पहला एपिसोड होने वाला है फॉक्स पर, वहां पर ब्रॉक लेसनर तुम्हें चैलेंज करना चाहते हैं। कोफी इस पर कहते हैं कि देखो, जब मैं रेसलमेनिया में टाइटल जीता था मैंने सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं एक फाइटिंग चैंपियन होऊंगा, बट शायद इस बार फाइटिंग चैंपियन होना उनके लिए बुरी बात हो सकती है क्योंकि उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। और गाइस 4 अक्टूबर 2019 पहली बार ब्रॉक लेसनर WWE के वीकली शो में कम्पीट करने वाले हैं, एक मैच में रेसल करने वाले हैं। 15 सालों से उन्होंने स्मैकडाउन लाइव में रेसल नहीं किया, जब से उन्होंने WWE में अपना रिटर्न किया है, मतलब अभी से कुछ साल पहले, बहुत साल उन्हें हो चुके हैं WWE में वापस आए हुए, तब से उन्होंने रॉ पे कम्पीट नहीं किया। लेकिन अब आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ है स्मैकडाउन लाइव का फॉक्स पर जाना, ब्रॉक लेसनर वहाँ पर कम्पीट कर रहे हैं। मैं अभी से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये मैच कन्फर्म हो गया है। और उसके बाद ब्रॉक लेसनर का तहलका मचता है, उन्होंने कोफी किंगस्टन को F5 लगाया और एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि आगे वो क्या करने वाले हैं कोफी के साथ। मैच सेट है, बड़ा शो है, बड़ा मैच है, अब देखते हैं WWE आगे क्या करती है, क्या ब्रॉक लेसनर के पास टाइटल जाएगा। ऐसा लग रहा है कि एक ना एक बार तो अब टाइटल आ ही जाना है ब्रॉक लेसनर के पास, लेकिन क्या वो स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में होगा, ये चीज़ देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और स्मैकडाउन लाइव की शुरुआत एकदम तबाही तरीके से हुई। नेक्स्ट में एक छोटा मोटा सा इंटरव्यू देखने को मिलता है एरिक रोवन का, जो कि माइकल कोल कर रहे होते हैं। वहाँ पर सबसे पहले रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं कि भाई उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो रोवन कहते हैं कि मैं तो बस रोमन रेंस को डरा रहा हूं। माइकल कोल कहते हैं सीरियसली, तो इस पर रोवन कहते हैं भाई अपनी आवाज थोड़ी कम कर ले वरना दबा दूंगा। डैनियल बैन, रोमन रेंस, सारा WWE यूनिवर्स एक जैसा है। वो यहाँ पर ल्यूक हार्पर के बारे में भी कुछ नहीं बोलते, वो कहते हैं अगर उनसे कुछ उनके बारे में कुछ कहना है तो उनसे पूछो, मेरे से ज्यादा मतलब मत रखो, और एकदम मॉन्स्टर की तरह रोवन बोल रहे थे। और सच में ऐसा लग रहा था कि उनके पास एबिलिटी काफी ज्यादा है लेकिन WWE ने शायद उसे छुपा कर रखा था। नेक्स्ट में देखने को मिलते हैं शिंसुके नाकामुरा एंड मुस्तफा अली। वैसे तो यहाँ पर इनका मैच होना था लेकिन वो मैच कब एक ब्रॉल में बदल गया। एक तरफ से नाकामुरा होते हैं, दूसरी तरफ से सैमी ज़ेन होते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई नाकामुरा ने जो कि करी अली की, उन्होंने अपना फिनिशर भी लगाया। और उस दौरान सैमी ज़ेन की कमेंट्री तो भैया अलग लेवल पर थी। नेक्स्ट में देखने को मिलते हैं केविन ओवेंस, जो कि स्मैकडाउन लाइव से फायर हो चुके हैं। और आज ये वाला सेगमेंट देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि WWE आगे क्या करी उनके साथ, क्या उनके फ्यूचर प्लान्स होने वाले हैं, शेन मैकमैन उनके साथ क्या करेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो वो ऑडियंस में बैठे होते हैं और वहां पर हमें पता था कि आने वाला कोई सेगमेंट है। बैक से हम लोग देखते हैं कि एक कोई लिफाफा सा आता है शेन मैकमैन के पास, अब उसके अंदर क्या होगा, वो आगे जाकर जब शेन मैकमैन को पता चलता है तो उनकी हवाइयां भी उड़ जाती हैं। वो रिंग में आते हैं सिक्योरिटी के साथ और कहते हैं कि चलो केविन ओवेंस मैं तुम्हें बोलने का मौका देता हूं, तुम रिंग में आओ। वो माइक भी पकड़ाते हैं और गाइस वहां पर केविन ओवेंस ने एक लॉ सूट कर दिया है अगेंस्ट शेन मैकमैन और ये है $25 मिलियन का। केविन ओवेंस कहते हैं कि देखो, जब तुमने मुझे रेफरी बनाया मेरे दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि तुमने मुझे फाइन लगाया मेरी फैमिली का क्या होगा, तो मैंने तुम्हारी साइड ली बट स्टिल तुमने टैप आउट कर दिया, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि तुमने जिस चीज के लिए मुझे फाइन किया था पहले वही काम तुमने किया स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में, तुमने भी तो
अटैक है मेरे ऊपर, मैं भी तो वहां पर ऑफिशियल था, तो इस चीज से वो लॉ सूट कर देते हैं उनके ऊपर। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो इस लॉ सूट को जीते तो मैं रिंग के बीच में आऊंगा और फिर मैं बोलूंगा यू आर फायर्ड। मतलब एक तरह से केविन ओवेंस आज छा गए। अभी एनएक्सटी वाले जो रूमर्स है उसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते, वैसे गाइस प्लान्स हैं कि एनएक्सटी का जो पहला शो होने वाला है जो कि कल ही होगा वहां पर केविन ओवेंस आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस सेगमेंट को देखकर तो ये लगा कि स्मैकडाउन लाइव में भी शायद केविन ओवेंस कर सकते हैं कंटिन्यू। अब ये कोर्ट केस वाली स्टोरीलाइन या फिर ये जो लॉ सूट चल रहा है वाली स्टोरीलाइन कहां जाती है ये हमें नहीं पता, बट स्टिल आज का ये सेगमेंट काफी अच्छा था। नेक्स्ट मैच में देखने को मिलता है साशा बैंक्स वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच, और क्योंकि यहां पर बेली साशा बैंक्स के साथ ही ऐसा लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो ये दोनों आपस में अपनी तिगड़म या फिर जो भी ये करते हैं वो करने ही वाले हैं। और जब शार्लेट फ्लेयर मैच को जीतने वाली होती है तभी बेली इस मैच में आकर इसके ऊपर अटैक कर देती हैं और वही 2-on-1 टाइप वाली सिचुएशन बन जाती है जो कि हर बार किसी के साथ होता है। लेकिन तभी आउट ऑफ नोवेयर कार्मेला वहां पर पता नहीं कहां से आती हैं और उन्होंने एक तरह से बचा लिया शार्लेट फ्लेयर को। साशा बैंक्स एंड बेली को रिंग से भगा दिया जाता है और रिंग में स्टैंड टॉल करते हैं कार्मेला एंड शार्लेट फ्लेयर। अभी मुझे नहीं पता ये स्टोरीलाइन आगे क्या जाने वाली है, मतलब कार्मेला यहां पर कैसे आ गई उसका कोई सेंस अभी तो बना नहीं, लेकिन देखते हैं ये स्टोरीलाइन आगे कैसे चलती है और क्या शार्लेट फ्लेयर अब कार्मेला की दोस्त है। अगला जो सेगमेंट था उसे आप लोग किंग कॉर्बिन कॉर्नेशन के नाम से जानते होंगे, लेकिन मुझे लगा ये किंग कॉर्बिन का कांड, उनकी ताजपोशी वगैरह सब कुछ हो जाती है, वो काफी खुश होते हैं, लेकिन वो कर देते हैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक जब वो चैट गेबल को इंट्रोड्यूस करते हैं। चैट गेबल रिंग में आते हैं और गाइस वो पूरी चीज का कबाड़ा कर देते हैं। मतलब जो राजा की छड़ी होती है, जो राजा का ताज होता है, राजा जो अपना पहन रहा होता है, वो सब चीजों को तोड़ फोड़ कर देते हैं, पूरी चेयर वगैरह सब कुछ तोड़ देते हैं, कुछ नहीं बचाया उन्होंने किंग कॉर्बिन के किंग कहलाने के नाम पर। और ये बहुत ही फनी सेगमेंट था गाइस, कॉर्बिन जब एक हील सुपरस्टार होता है उसकी जब इस तरह से बेइज्जती होती है तो फैंस भी उस चीज को काफी पसंद करते हैं। और कॉर्बिन की एक्टिंग भी यार वहां पर कमाल की थी, उन्होंने ताज का क्या हाल किया भाई देखकर लग रहा था कि से बेचारा इंसान और कौन हो सकता है। चैट गेबल भले ही इस टूर्नामेंट को नहीं जीते लेकिन कॉर्बिन को भी जीत के ऐसा लग रहा होगा कि भाई मैंने उखाड़ के लिया, मतलब बस मेरे नाम पर किंग लगा होगा, लेकिन किंग के नाम पर पहनने के लिए भाई उनके पास अब कुछ नहीं बचा। और मुझे ये एंटरटेनमेंट वाला सेगमेंट काफी ज्यादा पसंद आया। अगला मैच में देखने को मिलता हैवी मशीनरी वर्सेस द बी टीम के बीच, और हमें पता है कि जो हैवी मशीनरी या फिर वाइकिंग रेडर्स वाली टीम है उनको जॉबर्स के अगेंस्ट लड़वाया जाता है, बिल्कुल लोकल टैलेंट्स वाले। लेकिन इस बार थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लग रही है हमें कुछ रॉ और स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में, थोड़ा सा उनका लेवल बढ़ा है। अब बी टीम से उनका मैच था भाई, वो भी चैंपियंस रह चुके हैं तो थोड़ी इज्जत तो देनी पड़ेगी, बट हैवी मशीनरी ने स्टिल इस मैच को जीत लिया और क्राउड इस मैच में काफी ज्यादा खुश लगा। शो के मेन इवेंट की बात करें तो गाइस यहां पर ब्रायन आने वाले थे और वो सब चीजों को एड्रेस करते हैं, रोवन ने उनके साथ क्या किया, उनके आगे क्या प्लान से क्या वो बोलने वाले हैं, क्योंकि भाई बहुत टाइम हो चुका था कि वो WWE के शो में नहीं आ रहे थे। तो ब्रायन यहां पर आते हैं, वो एरिक रोवन के बारे में बात करते हैं कि मैंने रोवन को हमेशा अपने लेवल पे रखा, हम चैंपियंस थे तो हम दोनों एक साथ चैंपियंस थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया। और उसके बाद एरिक रोवन आते हैं, एरिक रोवन आकर सारी बातों से डिनाई कर देते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे बीच तो ऐसा कुछ था ही नहीं। और रोवन और डैनियल ब्रायन के बीच स्टिल जो गर्मा गर्मी बनी रहती है, वो कहते हैं कि भाई करो जो तुम्हें कुछ करना है, और उसके बाद वो बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हैं डैनियल ब्रायन के। और गाइज उसके बाद यहां पर डैनियल ब्रायन के ऊपर अटैक शुरू हो जाता है क्योंकि ल्यूक हार्पर भी यहां पर आ गए, उन्होंने पीछे से अटैक कर दिया और उसी मोमेंट पर लगा कि शायद एक सुपरस्टार की यहाँ पर कमी है। और तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है द बिग डॉग रोमन रेंस का। ल्यूक हार्पर रैंप पर जाते हैं, वो पहले से ही रोमन रेंस को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन रोमन रेंस वहां पर डॉज करते हैं, वो रिंग में जाते हैं, सुपरमैन पंच लगाते हैं रोमन को, उसके बाद वो अपना राइट हैंड मारते हैं ल्यूक हार्पर को। ऐसा लगा कि यहाँ पर अब डैनियल ब्रायन और रोमन रेंस जो है कमबैक करने वाले हैं तगड़ा वाला, लेकिन भाई हाथी क्यों बन गए मैंने इसलिए कहा क्योंकि ल्यूक हार्पर एंड एरिक रोवन ने जिस तरह से आज चीज़ों को तहस नहस किया, मतलब जो रिंग साइड पर मैट होती है उसे उठा दिया, बैरिकेड को फोड़ दिया, अनाउंसर टेबल को हिला दिया, चेयर जिसमें बैठे होते हैं वो कमेंट्री करने वाले उसको फोड़ दिया, मतलब पूरी तबाही उन्होंने मचा दी। रोमन रेंस को भी उन्होंने पटका बहुत बुरी तरीके से, बैरिकेड लेके ही उन्होंने मार दिया रोमन रेंस के ऊपर। मतलब इस तरीके का अटैक हम लोग बहुत ज्यादा कम देखते हैं, एक होता है डिस्ट्रॉय करना, एक होता है टोटली डिस्ट्रॉय करना, मतलब तोड़ फोड़ के रख देना, वैसे ही कुछ आज ल्यूक हार्पर और एरिक रोवन ने किया। और उसके बाद शो के एंडिंग मोमेंट पर हम लोग देखते हैं कि जो डैनियल ब्रायन होते हैं उनको भी अनाउंसर टेबल के ऊपर पटक देते हैं ल्यूक हार्पर एंड एरिक रोवन मिलके। अब ऐसा लग रहा है कि देखो रोमन रेंस बचाने आए डैनियल ब्रायन को, बचाने भी वो आए कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं उनको अपना बदला भी लेना था, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद रोमन रेंस एंड डैनियल ब्रायन अब सेम पेज के ऊपर आ चुके हैं और वो अगेंस्ट हमें देखने को मिल सकते हैं रोवन एंड हार्पर। और जैसे कि गाइस मैंने आपको कहा था कि ऐसा हो सकता है, पहली बात तो डैनियल ब्रायन दिल जीतने की भी कोशिश करेंगे, वो रोमन रेंस की साइड ऐसे नहीं आ सकते क्योंकि रोमन रेंस को स्टिल डैनियल ब्रायन से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। लेकिन शो के एंडिंग मोमेंट पर ये बात तो पता चल गई कि WWE कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुक कर रही है रोवन एंड हार्पर को, मतलब
ऐसा कभी भी लगा नहीं था कि ये टीम इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगी। ब्लेजन ब्रदर्स में थे, हाँ अच्छा काम करते थे, लेकिन अब ये जो टीम है बिल्कुल रीपैकेज लग रही है और लगता है रोमन रेंस एंड डैनियल ब्रायन को काफी तगड़ी फाइट मिलने वाली है। तो गाइस ओवरऑल मेरे हिसाब से ये शो काफी अच्छा था, शुरुआत और एंडिंग काफी कमाल की थी, बीच में भी काफी अच्छे सेगमेंट थे। ओवरऑल गाइस आज मुझे स्मैकडाउन लाइव का एपिसोड बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया। कमेंट करके आप लोग मुझे बताओ कि 5 स्टार में से आप लोग इसे कितने स्टार की रेटिंग देना पसंद करोगे। वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी, आप लोग इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE और प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।